गुड मॉर्निंग अंजन बच्चों बच्चों माई सेल्फ अजय कुमार फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश। और बच्चों आपको पता है मैं आपको गणित के प्रश्नों को हल करा रहा हूँ और आपको ये काफी पसंद आ रहे होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि एकदम अच्छे प्रश्न हैं और पूरी संभावना है कि आपके भी स्टेट में जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं एनएमएस की, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, या हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय आय में एकता छात्रवृत्ति परीक्षा, उसमें आने की प्रबल संभावना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और इन्होंने हर एक चैप्टर से उठाया है और कई बच्चों की काफी डिमांड थी, कमेंट में थी कि सर आप मिक्स वाले क्वेश्चंस कराइए। और मिक्स वाले क्वेश्चंस से बच्चों हमें अच्छा भी लगता है, कई आते हैं कई नहीं आते हैं, तो आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा एक एक सवाल को बच्चों, क्योंकि अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी और वीडियो मात्र देखने से समझ में नहीं आएगा। अब देखिए जिस भी बच्चे ने भेजा है, जो भेजा है उसी के जरिए मैं हल कर रहा हूँ, इसलिए देखिए मैं दोनों लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस को पढ़ भी रहा हूँ। और बच्चों अगर स्पीड ज्यादा लगे तो आप YouTube की सेटिंग में जाके जो वीडियो की सेटिंग होती है इसे स्पीड कम कर लीजिएगा, या अगर आपको और तेज सुनना है तो और तेज कर सकते हैं बच्चों, ये भी मैंने तरीका बताया हुआ है। और कई बच्चे देखिए मैं भूल गया था, दो वीडियो बन भी गए, कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये जो OMR यूपी वाला OMR दिखाइए, ठीक है वो मैंने कई बार बताया है कि प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके देख सकते हैं, कमेंट में भी लिखा रहता है, तो देखिए इस तरह का ये है तो आप इससे जाके देख लीजिएगा, ठीक है कि जो यूपी वाला OMR है वो कैसे भरना है। ठीक है तो आइए बच्चों अब आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। बच्चों थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा लेकिन मैं इसके लिए ध्यान से दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 84 है, एक ठोस घन जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेमी है, उसके विपरीत फलकों को लाल नीला एवं काला युग्म के रूप में रंगा गया है, इसके बाद उक्त घन को 2 सेमी भुजा वाले छोटे घनाकार ब्लॉक में काटने पर कितने घन ऐसे होंगे जिनके दोनों फलक रंगे होंगे। यह इंग्लिश है बच्चों। ए सॉलिड क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर साइड ईच हैज़ बिन पेंटेड रेड ब्लू एंड ब्लैक ऑन पेयर्स ऑफ अपोजिट फेसेस, इट इज देन कट इन टू क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ इस साइड 2 सेंटीमीटर, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड। बच्चों इसमें देखिए एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, इससे आप हर एक तरह के सवालों को कर लेंगे, ठीक है ये मत सोचिए कि प्रश्न क्लियर नहीं है, मैं अभी समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए जब भी कोई क्यूब बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये मैं इस तरीके से हल्का सा बना देता हूँ, एक आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सामने वाला भाग, इसके पीछे ये साइड है, इसके पीछे ये ऊपर है, एक नीचे है उसके, ठीक है, अलग अलग रंगों से रख दिया गया। अब हमने इसको बराबर काट दिया, बराबर टुकड़ों में काट दिया ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो कुल ये एक भुजा कितनी है, एक भुजा आपकी 8 है, ठीक है, क्योंकि अब 2-2 सेंटीमीटर में काटा गया तो कुल कुल कितने टुकड़े मिलेंगे, 2 से भाग दीजिए, कुल मिलेंगे 4 टुकड़े, ठीक है। अब इसको समझ के चलिएगा कि इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है, उसको मैं समझा दे रहा हूँ। अब अभी मान लीजिए अभी पूछ लिया 2 चेहरे, कभी पूछ लेगा 1 चेहरा, कभी पूछ लेगा कि कोई भी कितने रंगे नहीं हैं, तो सब तरह के सवालों के जवाब आपके इसी में बता दे रहा हूँ। कई बच्चे बोल रहे थे सर क्यूब वाला बताइए, ध्यान होगा कई बच्चे मुझसे क्यूब वाला घन वाला पूछ रहे थे, तो घन के प्रश्न बच्चों एक ही इसी वीडियो से आपके हल हो जाएंगे प्रश्न बताने में ही, इसलिए मैं वेट करता हूँ कि कभी प्रश्न आए तो मैं समझा दूँ, कि अलग से फिर एक टॉपिक बना के इसको पढ़ाना पड़ेगा नहीं तो बच्चों, ठीक है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ क्यूब, कोई बड़ा क्यूब है कुल कितने क्यूब बनेंगे, वो उसके उसका फॉर्मूला है कुल क्यूब, या कुल सॉरी कुल घन कितने बनेंगे, टोटल क्यूब, कुल घन या टोटल आपका क्यूब कितना बनेगा, उसका फॉर्मूला है एक्स और 3। ये एक्स क्या है, एक्स वो संख्या है कि जिसको बराबर भागों में बांटा गया है। तो भाई अगर 2 सेंटीमीटर के तो कुल कितने भाग निकल के आएंगे, 4, उसको उसकी लंबाई से जो दी हुई है भुजा की लंबाई उससे भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया आपका। बच्चों इसमें देखिए टोटल घन का मैं इजी बता दे रहा हूँ कि अब सबसे बड़ा जो घन था उसकी भुजा थी 8, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, 8 × 8 × 8। अब देखिए जो छोटी वाली घन है जो क्यूब है उसकी भुजा जो है वो 2 सेमी है या 2 सेंटीमीटर है, तो एक घन का वॉल्यूम कितना होगा छोटे वाले का, 2 × 2 × 2। अगर हम क्योंकि दोनों के घन बराबर हैं, दोनों का टोटल वॉल्यूम इकट्ठा बराबर है, तो कुल कितने होंगे, इसलिए हम दो इसके ऊपर वाला जो बड़ा था उसके वॉल्यूम से और नीचे वाले का जो एक घन का वॉल्यूम अगर उससे डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो घनों की संख्या हमें पता चल जाएगी कि कुल कितने घन बनेंगे। तो इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, आया कितना, 4 4 4, 4 4 = 16, 16 = 64।
तो टोटल 64 आएंगे। एक्स का इसका मतलब ये था बच्चों कि एक्स के घात 3, ठीक है, एक्स के घात 3, तो यहाँ एक्स ऑलरेडी 4 निकला हुआ मैंने बताया है, तो 4 × 4 × 4, ये मैंने जनरल तरीका बताया, कभी बच्चे परेशान हो जाएं, कभी कभी सवाल आ जाए तो कुल कितने घन बनेंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा, तो ये आ जाएंगे कुल 64 बनेंगे। अब दूसरा फॉर्मूला ये नोट डाउन कर लिया होगा, एक्स के घात 3, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला लिखिए कि ऐसे कितने हैं जिसके की घन कितने हैं जिसके की 3 चेहरे रंगे हुए हैं, 1 2 3 मान लीजिए रंगा हुआ है 3 तरफ से, ठीक है। उसका फॉर्मूला है बच्चों, आपको पता है कि कुल कितने कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भाई 8 ही जो होंगे जो 8 तरफ से रंगे रहेंगे, तो हमेशा इसका 8 ही आएगा, ठीक है, इस तरह के सवालों में। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दो चेहरा जो इस सवाल में पूछ रहा है कि ऐसे घन बताइए, ऐसे क्यूब बताइए जिसके दो चेहरे या दो फलक जो हैं, दो फलक हैं रंगे होंगे। इसका फॉर्मूला है बच्चों, x-2, यही x जो हमने ऊपर निकाला है, गुणे नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ एज, एज का मतलब बता रहा हूं, एज का है मतलब किनारा, EDGE, एज मतलब किनारा। एक्स अभी हमने जस्ट निकाला था 4 था, -2, ये जो किनारे मतलब ये जो कोना नहीं ये वाला किनारा, ऐसे कुल कितने हैं, ऐसे कुल बच्चों 12 है, कितने हैं 12, इसको हम 12 से गुणा कर दीजिए, कितना आया 2 × 12 यानी कि 24। तो इसका तो आपको उत्तर मिल गया, इसका 84 का उत्तर है ए, लेकिन मैंने अभी जस्ट बताया कि और मैं बता दूं सवाल कि अगर ऐसे ही आ गए तो आप करेंगे क्या। चौथा है कि पूछ लिया कि एक चेहरा कितने क्यूब का रंगा हुआ है, तो x-2 × 2 × 6, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, एक्स का मान वही है जो आप भाग करके अभी हमने निकाला है। और पांचवा और आखिरी फॉर्मूला कि कोई भी ऐसा घन कितने हैं, ऐसे क्यूब कितने जिसका कोई भी फेस रंगा नहीं है, कोई भी बिना रंगे वाले कितना है, तो x-2 × 3। अब आपको पता है, बताना नहीं पड़ेगा, एक्स क्या है, पूरे उसकी लंबाई जो ओरिजिनल घन था, और कितने टुकड़े मतलब कितना टुकड़ा सेंटीमीटर काटा गया उसे भाग दे देंगे, यही मान करना है, तो आपके सवाल में ये दोनों वैल्यू बदल सकती हैं, तो इसको समझ के चलिएगा। अब उम्मीद है जो बच्चे घन का पूछ रहे थे तो उनकी क्लियरिटी आ गई होगी। बच्चों ये लास्ट वाला जो है पेजेस क्लियर नहीं है, मैं आराम से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, वीडियो पॉज कर करके बार बार सुन लीजिएगा, ठीक है। अब ये है, 27 सेमी लंबी, 8 सेमी चौड़ी तथा 1 सेमी मोटी धातु की चादर को पिघलाकर घन बनाया गया है, घन की भुजा की माप होगी, इंग्लिश पढ़ दे रहा हूँ, ए मेटल शीट 27 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 1 सेंटीमीटर थिक इज मेल्टेड इनटू अ क्यूब, द साइड ऑफ द क्यूब इज। अब आपको पता है, एक फीचर पता होना चाहिए कि घन की जो भुजाएं हैं सभी बराबर होती हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हम आयतन निकालेंगे यानी कि वॉल्यूम ऑफ सीट निकालेंगे जो कि चादर है उसकी, ठीक है। तो आपको पता है क्या होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, सब दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो सबको आपस में गुणा कर दीजिए, 27 × 8 × 1, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 216, ठीक है, आ गया। अब यही वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ घन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यही है, वो तो बदला है नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का ए क्यूब होता है, आपको पता है। अब हमें ए निकालना है यानी कि एक भुजा निकालना है, तो ए क्या होगा इसके, इसका हम लोग घन मूल ले लेंगे यानी कि क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है 6 × 6 × 6 करेंगे तो 216 आएगा, ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालना है, 3 के जोड़े में आ गया तो हम एक बाहर निकाल लेंगे यानी कि 6 सेंटीमीटर, तो इसका उत्तर जो है बच्चों इसलिए ए सही है। तो उम्मीद है बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवाल किसी भी राज्य में आ सकते हैं, बच्चों ये मत सोचिएगा कि यहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और इसको कई तरीके हैं समझाने के लिए, लेकिन देखता हूँ मैं इसको कैसे समझाऊं अभी आपको। ये सवाल है, 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की एक संख्या बनती है, उदाहरण के लिए अब इन्होंने देखिए, उदाहरण के लिए मैं बता दे रहा हूँ, 256 256, मतलब ये 3 संख्या है इसी को दोहरा दिए, ऐसी बनी है, वैसे एक और दिया है इन्होंने, 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8, अब 6 अंक की संख्या बन गई कि नहीं। इस रूप की कोई भी संख्या किसके द्वारा विभाजित होगी, ऑप्शन है 7 11 13 और 1001, इंग्लिश में है, अ 6 डिजिट नंबर इज फाउंड बाई रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर इफ, फॉर एग्जाम्पल यही है, इफ एनी
एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज डिविजिबल बाय, किससे ये भाग होगा। तो बच्चों देखिए, मुझे लगा एक आसान सा तरीका आपको बस मैं बता दूं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना मुझे। आप क्या करिएगा, जो संख्या है 256 को भाग दे दीजिएगा पूरी संख्या से, वही उसका उत्तर होगा, उसी से वो भाग होगा। तो हम भाग दे दें भाई, 256 बन जाए 256, कट गया। अब दो उतारे, जीरो किए, पांच उतरा, जीरो किए, छह उतरा, कितने बार में कटा, 256। तो उत्तर कितना आया, 1001। तो सिंपल है ये, तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, डी। ठीक है, और दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो 7 से, 11 से और 13 से विभाजित होती ही होती हैं। इसका बस आपको लसा निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिए, लसा जब निकालेंगे तो आपका उत्तर यही आएगा, 1001। तो इस तरीके से भी बच्चों आप सवाल को हल कर सकते थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है काफी आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर देखिए 87, ये बच्चों चित्र दिया हुआ है, आसान सा सवाल है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि एंगल एओबी किसके बराबर होगा, एंगल एओबी विल बी इक्वल टू। ठीक है, इस सवाल को देखिए कैसे करना है, बता दे रहे हैं, सिंपल है। ये है लाइन, ये एंगल दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, ये है आपका 7x/2, और ये वाला कोण है आपका 3x/2। आपको पता है सीधी रेखा पे कितना बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। सिंपल सिंपल चीजें हैं, आसान सा सवाल है, बस आपको ये पता रहता तो आप जोड़ देते। ठीक है, तो हम इसको जोड़ दें आपस में, इन दोनों संख्याओं को, दो एंगल दिए हुए हैं, किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। बस हमें यही निकालना है, इसको लॉसर ले लीजिए, 7x+3x = 180, इसको जोड़ दीजिए, 10x/4 = 180। क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम, x बराबर क्या होगा, 180, ये 4 जाके इससे गुणा हो जाएगा, गुणे 4, और 10 आगे नीचे भाग हो जाएगा, इसको काट दीजिए। ये बच्चों सॉरी, ये 10 देखिए यहाँ 2 था, मैंने गलती से 4 लिख दिया, वही मैं सोचा ये क्यों नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इसको 2 कर लीजिएगा, इसको भी आप 2 कर लीजिए। ठीक है, 0 0 कटा, 18 2 36, ये 2 है। ठीक है, तो आगे 36 डिग्री, तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, इसलिए इसका बच्चों सही है। तो काफी इजी क्वेश्चन था, कभी देखिए लिखने में भी गलती हो जाती है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। मात्र बच्चों अब 3 क्वेश्चन और बचे हैं, मैं तुरंत ही इसको हल कराने की कोशिश कर रहा हूं। यदि किसी घन की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, इफ द साइड्स ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स इट्स वॉल्यूम विल बी हाउ मच टाइम्स। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है सिंपल फॉर्मूला है, जो घन का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब होता है, मतलब भुजा का घन होता है। अब कह रहा है कि भुजा को कितना कर दिया गया, उसका 3 गुना कर दिया गया, 3a कर दिया गया, तो वही हमें इस वॉल्यूम इसमें पुट कर दीजिए आप। ठीक है, वॉल्यूम वाले में a की जगह कितना हो गया, अब 3a हो गया। ठीक है, तो a का क्यूब देखिए ऐसे ही निकला है, और 3 का घन कितना होगा, 27, ये कितना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 × 3 × 3 करेंगे ना, इसका घन दिया होगा, क्यूब दिया होगा, कितना आ जाएगा, 27, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। असल में इस तरह के सवाल जब हम देखते हैं बच्चों तो घबराहट हो जाती है कि कैसे करेंगे, अगर आप जनरल फॉर्मूला जानते रहेंगे तो आसानी से सवालों को हल कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89, ये आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप कर देंगे। किसी बहुलक में 7 फलक और 10 शीर्ष हैं, तो इसके इस बहुलक के कितने छोर होंगे, कोने होंगे। ठीक है, तो ये पॉलीहेड्रल है, 7 फेसेस एंड 10 वर्टिसेस, हाउ मैनी एजेस डज द पॉलीहेड्रन है। इसका बच्चों यूलर फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है, आपकी किताबों में भी है यूलर्स फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, कई सवाल आते हैं, ये आसानी से हल हो जाएंगे। एफ मतलब होता है फलक, और ये होता है वी मतलब वर्टिसेस, और किनारा होता है ई, किनारा होता है ई बराबर 2। इसको आप नोट कर लीजिएगा, फलक प्लस कोना जो वर्टेक्स हो गया, शीर्ष यानी कि माइनस किनारा और बराबर 2। इसमें हमने दिया हुआ देखिए, इसका आपका 7 फेस जो चेहरा है 7 दिया हुआ है। ठीक है, और आपका वर्टिसेस यानी कि शीर्ष आपका 10 दिया हुआ है, हमें ई निकालना है, बस यही आपको फॉर्मूला याद करना था। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए, 17, ई को उधर ले जाइए या ई को इधर ही रखिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, 17 - 2 = 15। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, आंसर नंबर ए इसलिए सही है। तो ये फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए था, इसलिए आप कर लेंगे। 90 वाला बच्चों काफी आसान है, ये पूछ रहा है कि 1 से 100 तक की
संख्याओं के बीच भी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कई बार मैंने भी बताया हुआ है कि आप 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं को दिमाग में रख लीजिए, सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, तो अब गिनने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा बच्चों। आपको पता है दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से है। तो कुल जो बच्चों अभाज्य संख्या है वो है 25, इसलिए इसका आंसर है बच्चों बी। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको छत्तीसगढ़ राज्य का भी चाहिए तो आप लिखिएगा, तो मैं उसका भी बना दूंगा बच्चों। थैंक यू, थैंक यू।